एवरीवन, अभी मैं आपको एक मोटिवेशन का छोटा सा पार्ट बताने जा रही हूँ, ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी मोटिवेशन क्या होता है। अ डिजायर टू अचीव समथिंग, कुछ पाने की या कुछ कर दिखाने की चाहती को मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन आपका दो पार्ट होता है, कॉन्टिनेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी। तो ये आपको कॉन्टिनेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का पार्ट है, इसको आपको क्लैंटन एल्डफ ने दिया था। इसमें बेसिकली तीन पार्ट आते हैं, एग्जिस्टेंस, रिलेटनेस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस क्या, फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स, यानी आपकी बेसिक नीड्स, जिसमें आपका घर, रोटी, कपड़ा, मकान और जॉब सिक्योरिटी आ जा रहे हैं, जो कि बेसिकली मनी से रिलेटेड। उसके बाद आ रहा है रिलेटनेस, इट रेफर्स टू बिलोंगिंगनेस एंड स्टेम नीड्स, ये आपको सोसाइटी यानी समाज से रिश्ता जोड़ने के लिए कह रहे हैं, समाज से लिंकअप करने की कोशिश कर रहा है और आपके कुछ अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, उसी को कहते हैं रिलेटनेस। तीसरा आता है ग्रोथ, इट रेफर्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी खुद के लिए कुछ करने के लिए, खुद के कुछ सपने जो अधूरे हैं कि उनको पूरा करने के लिए, या खुद के कुछ स्किल्स सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। इसको बेसिकली हम एक इंसान की लाइफ से जोड़ते हैं, उस तरह से मैं समझा रही हूँ कि जब हम हर इंसान अपने सर्वाइवल फॉर डिफेंस फिटनेस यानी जिंदा रहने के लिए काम करता है, तो जिंदा रहने के लिए हमारे एग्जिस्टेंस में आ गया कि रोटी, कपड़ा, मकान और जॉब सिक्योरिटी, जो कि बेसिकली मनी से रिलेटेड। जब हमने अपना रोटी, कपड़ा, मकान, जॉब सिक्योरिटी कर लिया, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, सोसाइटी से लिंकअप चाहिए। और सोसाइटी से लिंकअप क्या हो, जब हम करते तो अपने कुछ छोटे मोटे सपने वो भी पूरा करते, जैसे घूमने का हुआ, किसी और चीज़ का हो, कुछ कहीं कुछ नए स्किल, मतलब घूमने के साथ कुछ और चीज़ें जानने की इच्छा हो, उसको पूरा करते। और ग्रोथ में क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि जब हम अपनी ज़िंदगी की हर जिम्मेवारी से पूरे हो गए, तो हमारे कुछ वैसे अधूरे सपने जिसको हम लाइफ के सारे जिम्मेवारी को पूरा करते करते नहीं किए, जैसे कि आज के डेट में हम देख रहे हैं बहुत सारी सीनियर सिटीजन फीमेल्स क्या करें, अपने कुकिंग के शौक को, अपने डांस के शौक को, अपने सिलाई बुनाई के शौक को क्या करते, 60s की एज में पूरा करते, या 60 प्लस की एज में पूरा करते। उसी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, या अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स, कुछ अधूरे सपने जो कि हम नहीं कर पाए, नहीं सीख पाए, उसको पूरा करने की चाहत, इसी को कहते हैं ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बेसिकली आपका ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन मैस्लो लॉ ऑफ हायरार्की से जुड़ा हुआ है। मैस्लो लॉ ऑफ हायरार्की में हमने बेसिकली 5 पॉइंट पढ़े थे, उन्हीं के 5 पॉइंट को काट के इन्होंने तीन पार्ट कर दिया, एग्जिस्टेंस, रिलेटनेस और ग्रोथ। और उसमें उन्होंने हमें जैसा कि पढ़ा था मैस्लो लॉ ऑफ हायरार्की में, कि हम क्या एक स्टेप पूरा कर ले, उसके बाद दूसरा स्टेप, उसके बाद तीसरे, पर इसमें कह रहे हैं कि नहीं, अगर हम एक सपना पूरा नहीं कर पाए तो हम दूसरे पर जा सकते हैं, और अगर दूसरे पर हम चले गए फिर पर हमको लग रहा है कि नहीं, उसमें हमको दिक्कत आ रही, उसमें कुछ कुछ छोटा हुआ, तो हम नीचे लेवल पर भी आ सकते हैं, और इसको फ्रस्ट्रेशन एंड रिग्रेशन से भी हम जोड़ सकते हैं। आई होप आपको एक मेरा छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।